तो भाई हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी ये बजाज सीएनजी गाड़ी है और आज इस गाड़ी की हम क्लच प्लेट चेंज करेंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे भी हम क्या क्या पार्ट्स गाड़ी के खोलेंगे। सबसे पहले क्या खोलेगा मिस्त्री जी? सबसे पहले तो भाई ये किस चीज़ की पाइप होती है? मोबिल की। सबसे पहले भाई ये मोबिल वाली पाइप आपने खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये टप्पा खुलेगा, ढोलकी भी उतारनी पड़ेगी। और अच्छा, काफ़ी गाड़ियों में भाई ढोलकी उतारनी पड़ती है, लेकिन एपे सी एन जी गाड़ी होती है ना, उसके अंदर हमने ढोलकी उतारी है, आप वीडियो भी चेक कर लेना। इसके अंदर खाली हम ये साइड वाला टप्पा खोल देंगे और फिर इस गाड़ी के अंदर क्लच प्लेट देखें, क्योंकि इस गाड़ी की क्लच फ्री हो चुकी थी, इतना ज़्यादा लोड नहीं ले रही थी, स्लप लगा रही थी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, स्टेप बाई स्टेप आपको हर प्रोसीजर दिखाएंगे। मुझे पूछना दोस्तों 8950-65-37-29 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कटोरा टूट रहा है इसका, क्लच प्लेट भी टूट रही है। फिर ये चले कैसे थी? चले थी नहीं, एक जगह पड़ा था इसका। तो भाई जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, टप्पा हमने खोला तो इस गाड़ी के अंदर कटोरा टूटा हुआ मिला, मतलब ये कटोरे टूट के नीचे बैठ गया टप्पे के अंदर है, और एक साइड से टूटा हुआ था, ये चलती रही ऐसे ही। तो अब हम इसका कटोरा और क्लच दोनों चीज चेंज करेंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। पूरा अच्छे तरीके से साफ कर लिया इसने। कितने नंबर के नट? आठ के। तो भी इसके अंदर आठ नंबर के नट होते हैं, सबसे पहले आपने वो खोलने पड़ेंगे, फिर इसके अंदर एक क्लच का जो स्पेशल नट होता है वो लगा होता है, जिससे कटोरा कटारा अंदर सेट रहता है, वो और खोलना पड़ेगा। तो भी दोस्तों जो हमारी बुश प्लेट होती है उसके अंदर क्लच आपने इस तरीके से डालनी है कि नीचे से जैसे जो भी आप टाइमिंग रखेंगे सेम टाइमिंग रखना, जैसे निशान वाली जो होती है ना कट वाली, इनको एक साइड में और इनको एक साइड में ऐसे कैसे रखें, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा इस गाड़ी में स्पेस कम है भाई। सही है, सेगमेंट टाइप है थोड़ी इसकी भी, ये मिल गया सही है, कमी है। तो भी इस तरीके से आपने क्लच डालनी है और बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, टाइमिंग नीचे की सेम रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय का अभाव भाई, आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा सकते, एक वीडियो में डाल दूँ इस वीडियो के अंदर, वो वीडियो देख लें क्लच प्लेट कैसे फिट की जाती है और जिस पार्ट को आपने जैसे खोला वैसे ही फिट कर लें। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहे भी।